ध्यान दीजिए, इससे पहले आप साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित पार्ट 6 तक पढ़ चुके होंगे। आज साधारण ब्याज चैप्टर से ही पार्ट 7 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ये प्रश्न आपको SSC बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, एयरफोर्स, पुलिस, नेवी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को ट्रिक के आधार पर हल किया गया है। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी लिखिए और शेयर भी कीजिए। और ये अभी मैं बता दूं कि हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के अतिरिक्त कक्षा 9, 10, 11, 12 गणित, विज्ञान, अंग्रेजी की भी कक्षाएँ चलाई जाती हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 94-15-88-75-29, इससे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप प्रश्न पर आइए। देखिए, आपका प्रश्न है, कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है तो किस दर से उतने ही समय में, समय उतना ही रहेगा, जैसा कि ऊपर 5 वर्ष दिया है तो समय उतना ही, 4 वर्ष दिया है तो यहाँ भी उतना ही समय रहेगा, 4 वर्ष उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपका ट्रिक आता है, ट्रिक के अनुसार आपका है R1/R2 बराबर N1-1/N2-1। इस ट्रिक से आप R2 दूसरा दर जो पूछा रहेगा उसको आप निकाल सकते हैं, यदि दूसरी दर दिया है तो पहली दर भी निकाल सकते हैं, N1 भी निकाल सकते हैं, N2 भी निकाल सकते हैं। यदि एक पूछ रहा है तो 3 मान दिया रहेगा, अर्थात R1 पूछ रहा है तो R2, N2 और N1 दिया रहेगा, R2 पूछ रहा है तो R1, N1 और N2 दिया रहेगा, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है। कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ये आपका 5% R1 का मान है, दुगुनी हो जाती है, ये आपका N1 का मान है, तो किस दर से अर्थात R2 पूछ रहा है, किस दर से उतने ही समय में, समय उतना ही रहेगा, ये विशेष ध्यान देंगे, उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी, अर्थात N2 का मान आपका 5 हो जाएगा। अब आप इस ट्रिक में रखेंगे R1/R2 बराबर N1-1/N2-1। 5 वर्ष मतलब यहाँ नहीं है, आपका R1, R2, N1 और N2 से तात्पर्य है। 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी R1 का मान हो गया 5/R2 बराबर दुगुनी हो जाती है, N1 का मान आपका हो गया 2-1/, तो किस दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी, अर्थात N2 का मान आपका हो गया 5-1, अर्थात 5/R2 बराबर 2-1/5-1, 5/R2 बराबर इसको घटा देंगे 1/4 हो गया। अब यहाँ एरिया गुणा कर देंगे, R2 का 1 में गुणा करेंगे R2 होगा, 5/4 में गुणा करेंगे 20 होगा, यानी 20%, दूसरी दर आपकी 20% निकल गई। इस ट्रिक को एरिया गुणा करके आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अर्थात R2 बराबर N2-1/N1-1 गुणे R1, इस सूत्र से अर्थात इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं, यानी N2 का मान 5 रखेंगे -1, N1 का मान आपका 2 हो जाएगा -1 गुणे R1 का मान आपका 5 है, ये घटाएंगे आपका 4 हो जाएगा /1 गुणे 5, 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 20%। ये ट्रिक भी आप रख सकते हैं, इसके आधार पर भी आपका 20% ही आएगा, जो आपको आसान है। आप ये ट्रिक इसी से एक ट्रिक निकाला गया है, इसी ट्रिक से, या तो इस ट्रिक में डायरेक्ट पर करके आप हल कर देंगे तब भी आपका उत्तर मिल जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी लिखिए। और ये अभी मैं बता दूं, हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत एयरफोर्स में भी, जैसा कि बोर्ड पर लिखा भी गया है, आपके वीडियो में लिखा भी गया है इसमें, और हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपका सामान्य अध्ययन है, रीजनिंग है,
अर्थमेटिक है, एयरफोर्स नेवी के लिए मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग। आने की सिलेबस के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस के अनुसार सारी तैयारियां कराई जाती हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो आप इस मोबाइल नंबर से यानी 94 15 85 75 29 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।